नजियाबाद पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने अपहृत बच्चों को सैकुशल बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिसिया खुलासे में चौंकाने वाला सच सामने आया। पुलिस ने मामले की तह तक जाकर तफ्तीश की तो पता लगा कि 8 वर्षीय असद को उसी के चाचा ने जमीनी विवाद के चलते अगवा कर लिया था और फिर 50 लाख की फिरौती की मांग की। दरअसल बीती 13 मई को रईस के भाई मोहसिन ने असद को बहला फुसला कर अपहरण कर लिया। असद का अपहरण कर मोहसिन उसे मेरठ से मुंबई ले जाने के लिए निकल गया। उधर पुलिस ने जब असद की तलाश शुरू की तो नजाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान जीआरपी की मदद से असद को कोटा स्टेशन से सैकुशल मरामद किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। कहाँ बदला है तेराबंदी दिखा रहा है कहाँ फैलाई बात करनी कहाँ फैलाई बंटा इतना ध्यान रखे मैं तेरा घर से तेरे छोकरे को उठा देता हूँ तो तेरा घर में सबको मार भी सकता हूँ। अच्छा जब मेरे घर से तू मेरे छोकरे को उठा देगा तू मेरे घर में सबको मार भी सकेगा। हाँ इतना ध्यान रख बंटा इतना बता रहा हूँ तेरे को मेरा बाप बिगाड़ेगा मेरा क्या जरा से तू चीज की ना तो ना तो समझ ले तू मेरा दिमाग तो तू जानता ही है तेरा दिमाग तुम जाना। हाँ इधर अगर वो पुलिस वुलिस को कुछ किया तो समझ लो अंटा तेरी गाँव नहीं डिंड कर दूंगा मैं अब मेरी कहीं डिंड कर देगा। हाँ तो तुम मुझसे आकर तो टकरा रहे वरना तो चल तू अजमा के देख तो तुम मुझसे टकरा रहा है तुम मुझे बता दे टकरा कहाँ ना। हाँ चल सुबह बताए अच्छा किसी ने किया किसी ने भाई रही श्याम नजीब सर ये जो बच्चा था तो इसको खाली घर से बुलाया गया और उसको टॉफी वगैरह बिस्किट वगैरह लेने के बहाने दुकान पर ले जाया गया और इसके पीछे कोई वैसा हास्य रस नहीं था किसी तरह का भी कोई किसी तरह की कोई टेरिटी वगैरह हो कुछ हो और बच्चे को लालच दे करके कि चल तुझे घुमाने मुंबई ले जा रहे हैं वहाँ ले जा रहे हैं इस तरीके से वो लड़का ले गया। कौन था? छोटा भाई है। बस गलती उसकी ये है कि उसने हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया और जब हम आपस में टेलीफोन इधर उधर खोजबीन करनी शुरू करी तो उसका शाम को टेलीफोन आया वो टेलीफोन इतना भयानक हो गया कि उसने हमारे पैर उखाड़ दिए। उसने ये कह दिया कि वो बच्चा मेरे पास है और 50 लाख रुपये का इंतजाम कर लो तुम बच्चा दूंगा अन्यथा नहीं। अब ये उसको हमें खुद ही नहीं पता लग रहा कि ऐसा उसने क्यों किया। सगा भाई है तुम्हारा? हाँ सगा भाई। क्या हुआ था तुम्हारे साथ कौन ले गया था तुम्हें? कहाँ ले गया? मैं कह रहा था कि बम्बई घूमने जा रहा हूँ। तो फिर तुम्हें घर के याद नहीं है मम्मी पापा की? तो तुमने कहा क्या कहा? मैं कह रहा था कि यार कालिया परसों को चलेंगे। मार पिटाई डाली थी तुमने? तुमने अपनी मम्मी से बात कर ली? कोई नहीं मम्मी से बात करा? उन्होंने करी थी उन्होंने नहीं करी थी। तुम्हारी बात ना करे क्या कहती कुछ ना बस पापा से बात कराए थे हेलो करा मैंने जब ले लिया। नजीबाबाद थाने में अभियोग संख्या 299/18 पंजीकृत हुई जिसमें वादी रईस अहमद ने ये अभियोग पंजीकृत कराया कि उसके भाई मोहसिन ने उसके लड़के असद को अपहरित कर लिया है और 50 लाख रुपए की मांग कर रहा है। उसकी इस अभियोग के पंजीकृत होने के बाद तत्काल पुलिस सक्रिय हो गई क्योंकि ये एक बिल्कुल 8 वर्ष के बच्चे का प्रकरण था। पुलिस मेरठ गई जहाँ हमें प्रथम सूचना जो मोबाइल से फिलहाल से मिली वहां से ये अभियुक्त इस बच्चे को लेकर के बॉम्बे की ट्रेन में बैठ गया था। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए लगातार विभिन्न स्टेशन की जीआरपी से संपर्क करके बच्चे के बरामद होने के लिए कोशिश की और इधर से टीम ट्रेन के पीछे पीछे उस दिशा में गतिशील थी गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस की दिशा में। यूपी की सीमाओं से बाहर ट्रेन निकल गई तब भी बच्चा बरामद नहीं हो सका तो हमने राजस्थान जीआरपी से संपर्क किया और तब तक कोटा में जाकर के जीआरपी की मदद से वहां के हम बच्चे को और अभियुक्त को बच्चे को बरामद कर पाए और अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इसमें पुलिस की जो सक्रियता थी वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है जिस पर कि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा।